और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पे पुलिस ने नशे के कारोबारी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बरेली में कांवड़ मेले में से बेचने के लिए लाया था स्मैक। वहीं करीब 2 लाख रुपए की स्मैक को मेले में बेचने वाला था यह आरोपी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। कांवड़ मेले में स्मैक को बेचने का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास कुमार जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, नशे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कहां से पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली? यशी, देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कांवड़ मेला नजदीक आता जा रहा है, जो नशे के सौदागर है वो लगातार हरिद्वार में मुस्तैद दिख रहे हैं। हालांकि आज तड़के कोतवाली नगर पुलिस ने क्षेत्र में गश्त के दौरान देवपुरा चौक से एक नशे के सौदागर को दबोचा, जिसके बाद से लाखों की स्मैक बरामद हुई है, जिसके कांवड़ मेले में बेचने की फिराक थी। हालांकि ये जो भी नशा कारोबारी होती है, जिस तरह ये त्योहार आता है कांवड़ मेला देखते हुए, ये लोग सभी अल्ट हो जाते हैं। वही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली नगर पुलिस तड़के क्षेत्र में गश्त पे थी, इसी दौरान संदिग्ध हालात में देवपुरा चौक पर खड़े युवक की तलाशी लेने पर उसके पास 84 ग्राम स्मैक की पुड़िया बरामद हुई है। यशी जी, विकास, आपसे जानना चाहेंगे, ये तो एक मामला सामने आया है, क्या इसके अलावा कांवड़ मेले में और भी नशे तस्कर घूम रहे हैं? क्या कुछ इस बारे में पुलिस का कहना है? किस तरीके की योजना बना रही है तस्करों से निपटने के लिए पुलिस? बिल्कुल, ऐसी देखिए, जो आरोपी इसमें जो कारोबारी जो पकड़ा गया, उससे भी हरिद्वार पुलिस जो भी पूछताछ में जुड़ी है। वही इस कारोबारी ने बरेली यूपी से लाना स्वीकार किया है। ये जो कारोबारी था, ये बरेली से लाकर इसमें हरिद्वार में सप्लाई करने के फिराक में रही। इसने जो खुलासा किया है, ये कांवड़ मेले बेचने के लिए एक जो पुड़िया बनाकर बेचता था, नहीं मेले में वह इसमें करीब 2 लाख रुपए में बेचता था, जो उसने खुद बात को बोली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वह कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कोसारी के अनुसार तड़के गश्त के दौरान मायपुर चौक से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। यशी जी, विकास, हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।